कैम छो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर समीप मेहता आज रिव्यू करने वाला हूँ गुमराह। दोस्तों नाइटमेयर्स के बाद आदित्य रॉय कपूर को सबने प्रेस किया है, मतलब आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर दोनों की बहुत ही एक्टिंग बहुत ही शानदार थी, स्टोरी शानदार थी। तो उसके बाद आदित्य रॉय कपूर लेके मूवी आया है गुमराह, उसमें भी आपको बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। दोस्तों पहले मैं बता दूँ, गुमराह मूवी दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह हाँ रीमेक है, तमिल मूवी थड़म की रीमेक है। 2019 में थड़म आई थी, उसकी ही 3 साल 4 साल बाद ये रीमेक आई है। पर दोस्तों मैंने भी, मुझे कुछ पता नहीं था थड़म के बारे में, मैंने देखी भी नहीं है और सुनी भी नहीं थी। तो डेफिनेटली उसको छोड़ दीजिए आप, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मुझे बहुत मज़ा आया। तो बात करते हैं इसके स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों स्टोरी में ऐसा है कि एक यंग पर्सन का मर्डर हो जाता है, उसके सस्पेक्ट में सब पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, उसमें मृणाल ठाकुर आती है और उसके साथ रोनित रॉय आते हैं, वो टीम में है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि उसका जो दोनों दोनों डाउट जा रहा है, जो सस्पेक्ट है दोनों लुक लाइक है, मतलब आदित्य रॉय कपूर ही है, तो दोनों सेम लग रहे हैं। अब दोनों का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, दो अलग अलग आदमी एक ही मर्डर कैसे कर सकता है। और कुछ कड़ियाँ ऐसी है कि वो इस आदित्य रॉय कपूर को सस्पेक्ट करती है, कुछ कड़ियाँ ऐसी है कि इस आदित्य रॉय कपूर को सस्पेक्ट करती है। और दोस्तों बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ऐसी घटनाएं 4-5 बार ऑलरेडी वर्ल्ड में नोट की गई है, मतलब कि ऐसा होता है कि, मतलब ये कोई, मैं आपको क्लू नहीं दे रहा, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, पर जी हाँ आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा कि 4-5 बार ऐसी घटनाएं हुई है कि दोनों लुक लाइक कुछ मर्डर करते हैं। तो फिर रहने दीजिए आपको मैंने बोलता। तो दोस्तों बहुत ही सस्पेंस है, बहुत ही एंगेजिंग है, मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों आपको एंगेज रखेगा। जो फर्स्ट सेकंड हाफ का जो इंटरवल आता है कि नहीं, बीच में पुलिस एक इस और आदित्य रॉय कपूर का अलग वर्जन, इस और आदित्य रॉय कपूर का अलग वर्जन, तो बहुत ही, मतलब फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। 2 घंटे की मूवी है पर फुल ऑन आपको एंगेज रखने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं अभी एक्टिंग की। दोस्तों आदित्य रोनित रॉय और मृणाल ठाकुर की एक्टिंग ओके ओके है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, पर आदित्य रॉय कपूर के दो जो वर्जन्स है बाखूबी आपको अच्छे लगेंगे, बहुत ही सुंदर है। मतलब एक आदित्य रॉय कपूर को दिखाया है कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, जॉब करता है, अपना स्टार्टअप करता है, और एक वेल एजुकेटेड गाय बंदा होता है, तो उसकी एक्टिंग एक अलग है। और ये दूसरा आदित्य रॉय कपूर है, वो एक मारधाड़ करने वाला बिंदास, एक टपोरी सा जो चूहा खेलता रहता है, दारू पीता रहता है, एक ऐसा आदित्य रॉय कपूर है। तो मतलब एक ही मूवी में आपको दो दो आदित्य रॉय कपूर के दो जॉनर दिखने मिलेंगे कि नहीं, बंदे कितनी ये एक्टिंग भी कितने बेखूबी से करता है और ये एक्टिंग भी कितनी बहुत ही सुंदर करता है। तो मुझे तो आदित्य रॉय कपूर के लिए बहुत मजा आ गया। तो एक्टिंग ओवरऑल सबकी अच्छी है। सबसे अच्छा दोस्तों मुझे लगा कि सिनेमाटोग्राफी बहुत ही सुंदर है, कुछ कुछ सीन्स में तो इतनी बढ़िया सिनेमाटोग्राफी है। और सबसे पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि इसका जब भी शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, तो पूरा जो उसमें इतना बेहतरीन उसको फिल्माया गया है, मतलब वो बहुत विथ म्यूजिक विथ सम लाइटिंग्स, तो आपको यार इंट्रोडक्शन में मज़ा आ जाएगा। तो जब मुझे तो बहुत ही, मतलब मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मूवी से, पर मैं बहुत खुश होकर निकला हूँ। तो उसमें सभी एक्टिंग सभी अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, सॉन्ग्स है ठीक ठाक है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो ओवरऑल ये मूवी डेफिनेटली आपको एंगेज करेगी, बहुत ही आप सबको मज़ा आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा सीन्स नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार आउट ऑफ 5। और हाँ, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन दिस मूवी। अगर आप थिएटर में देखना नहीं चाहते तो मैं आपको बोलूँगा कि यार OTT पे आए तब ज़रूर गुमराह देखना, मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आपने अगर गुमराह देख लिया तो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, फ्रेश मूवी लगी, रीमेक है इसलिए मैंने एक आँख काटा है कि नहीं 4 स्टार, अगर रीमेक ना होती तो मैं डेफिनेटली 4.5 स्टार डेफिनेटली दे देता। तो मुझे मज़ा आ गया, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।